बहुजन समाजवादी पार्टी की एकमात्र विधायक रामबाई बड़े दिलचस्प बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बचपन में भिखारी थी। जी हाँ, वो चोर भी थी। वो मंदिरों में जाती और वहाँ से पैसे चुरा लेती, लेकिन उस पैसे को चुरा कर वह गरीबों में बांट देती थी। सबसे बड़ी बात ये, रामबाई ने जिस बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि वे बचपन में चोरी करती थी और मंदिरों से पैसा चुरा कर गरीबों में बांट दिया करती थी, वह निश्चित ही बेहद सराहनीय बात है। उल्लेखनीय है, रामबाई पहले भी अफसरों को धमकाने के मामले में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। वे खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटती। उनका यह मानना है कि राजनीति समाज के शुद्धिकरण के लिए की जाती है। अभी हाल ही में उन्होंने कमलनाथ सरकार को भी चेतावनी दी है कि या तो मंत्री बनाओ नहीं तो वो सरकार गिरा देंगी। जी हाँ, ऐसे बहुत कम विधायक होते हैं जो बचपन की इस तरह की घटनाओं की स्वीकारोक्ति सार्वजनिक रूप से कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।